अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ीन नाज़रीन, क्या हाल है? सब खैर? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हाफिज़ से होंगे। आप देख रहे हो सुमरो सजा वाली एजुकेशनल चैनल। ठीक है, गुड न्यूज़ ये हैं, GST PST वेटिंग कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारों ने सरदार शाह ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वो क्या खुशखबरी है, उससे पहले जाने से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। सरदार शाह की ज़बानी सुनते हैं और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, जो नई काबीना बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद, जो 2024 इलेक्शन के बाद जो उन्होंने बराकदाम किया है, और GST PST वालों के लिए जो निगरान हुकूमत ने अनफ्रीज कर दिया, उनको फ्रीज करने जा रहे हैं, और सरदार शाह की ज़बानी सुनिए। टीचर्स की रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी, वो उस वक्त 50,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट थी, मगर वक्त के साथ वैकेंसीज क्रिएट हुई तो वो 60,000 से प्लस रिक्रूटमेंट टीचर्स की हो गई थी। बाद में निगरान सेटअप आया तो उन्होंने उस पूरे अमल को फ्रीज कर दिया, कैबिनेट ने फ्रीज किया, निगरान कैबिनेट ने। तो इस हवाले से मैंने अभी देखा है इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि फेब्रुवरी 25 तक ये वेटिंग जो टाइम है इनका वो चलना है, जो वेटिंग कैंडिडेट थे उनकी रिक्रूटमेंट का अमल चलना है। अभी मैं जैसे आया, मैंने ब्रीफिंग ली तो अभी तक वो अमल फ्रीज है, और सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि बहुत इस हवाले से एक क्राय है कि इसको ओपन किया जाए, तो वो समरी प्रिपेयर्ड है, रेडी है। मैं छुट्टियों की वजह से निकल आया वीकेंड की वजह से इधर, तो मंडे से वो समरी फ्लोट होगी, और जो नेक्स्ट कैबिनेट होगी, अगर जल्दी हो रही है कैबिनेट तो उसमें वो उसको अनफ्रीज करेंगे, अगर नहीं तो फिर CM साहब को रिक्वेस्ट करके बाय वे ऑफ सर्कुलेशन कैबिनेट मेंबर से अप्रूवल होगी, और इनको मैं आप उनको नवीद दे दे, खुशखबरी दे दे कि बहुत जल्द ये अमल स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले इनको खुशखबरी मिली?